हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे खूबसूरत पत्तों वाला प्लांट जो छाया वाला जगह में बहुत अच्छे से चल जाते हैं। ब्राइट लाइट में भी इन पौधों को रखेंगे तो अच्छे से चल जाते हैं, और हाँ, 1-2 घंटे धूप मिल जाएंगे तो भी पौधे अच्छे से चलते हैं। इसका क्या प्राइस है, कैसे ग्रो करेंगे, वो इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए दिखाती हूँ कौन कौन से प्लांट है। देखिए, फर्स्ट में है अल्थरा प्लांट बोलते हैं, लालसा प्लांट भी शायद बोलते हैं, इसका बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है, मैं कटिंग से ही लगाई हूँ। और देखिए, धूप में रखने से इसका पत्ते का कलर ऐसे हो जाते हैं, और छाया वाला जगह में रखने से इस तरह हो जाता है। ऊपर से इस तरह पिंचिंग करके मैं इसको बूसी और घना बना दी हूँ। ये आपको नर्सरी में ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, हैच के तौर पर भी लगाया जाता है। 30-35 रुपये में, 40 रुपये में मिल जाता है। एक प्लांट से कितने सारे प्लांट बना लेंगे, बहुत खूबसूरत लगता है। ठंडा में रखेंगे छाया वाला जगह में, तो इस तरह का पत्ते होंगे। अगला प्लांट है फाइलोडोरन, ये भी छाया वाला जगह में बहुत अच्छे से चलते हैं। देखिए, धूप लग गया था, इसके पत्ते कैसे हो गए हैं, मैंने सीढ़ी पर उठा के रख दिया, और कटिंग से बहुत आसानी से लग जाते हैं। जैसे मनी प्लांट लगाते हैं हम लोग कटिंग से, उस तरह ये भी कटिंग से लगा लेंगे। अभी भी इसको कटिंग से लगाइए, और नर्सरी में जाएंगे तो ये 30-35 रुपये में, 40 रुपये में भी मिल जाते हैं। और अगला प्लांट है मनी प्लांट, इसमें दो तरह का मैं मनी प्लांट लगाई हूँ। देखिए, एक नॉर्मल वाले और ये नियन पोथो, ये भी कटिंग से मैं तैयार की हूँ। दोनों को मैं सीढ़ी पर रखती हूँ। देखिए, हफ्ता में एक बार बाहर निकालती हूँ, वो भी रात को निकालती हूँ, सुबह को फिर से रख देती हूँ, क्योंकि बहुत धूप है हमारे यहाँ, तेज धूप में जल जाएंगे। छाया वाला जगह में ये मनी प्लांट फाइलोडोरन अच्छे से चल जाते हैं। अगला प्लांट है पेल्सिन कैक्टस, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, इसको भी डेकोरेटिव प्लांट में रख सकते हैं डेकोर करने के लिए। ये भी छाया वाला जगह में अच्छे से चलते हैं, और कटिंग से लग जाते हैं। देखिए, इस तरह के छोटा से छोटा कटिंग लगाएंगे, बहुत आसानी से लग जाते रहते हैं। और नर्सरी में ये 40 से 45 रुपये में मिलता है, एक बार लाइए, बहुत सारे ढेरों सारे प्लांट बना सकते हैं। अगला प्लांट है ये कैना लिली, इसमें फूल आते हैं, लेकिन इसके पत्ते की खूबसूरती देखिए, पत्ते के खूबसूरती के लिए लगा सकते हैं, इसको भी धूप की जरूरत नहीं है। अगला प्लांट है सॉन्ग ऑफ इंडिया, सॉन्ग ऑफ इंडिया में कितने वैरायटी होते हैं, देखिए मेरे पास 3 है। अब ये देखिए, इसके पत्ते कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इंडोर भी रख सकते हैं, डेकोर करने के रूप में डेकोर करिए, इंडोर प्लांट में आता है, बहुत खूबसूरत लगता है, इसको धूप की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला प्लांट है जनाडू, जनाडू भी दो तरह का है मेरे पास, एक बड़े लीव्स वाले, एक छोटे लीव्स वाले हैं, इसको भी धूप की जरूरत नहीं पड़ती है। बेल्ड्रीन मिट्टी में लगाइए, और इसको अभी गर्मी है तो रोज पानी दीजिए। ये भी आपको नर्सरी में ज्यादा महंगा नहीं मिलता है, आप एक बार लाएंगे तो कितने सारे बना सकते हैं इस प्लांट को। और ये है एग्लोनीमा है, ग्रीन लीव्स वाले, ये कलरफुल लीव्स वाले आते हैं, ग्रीन लीव्स वाले आते हैं, लेकिन ये नर्सरी में आपको 80 या 100 रुपये में मिलते हैं। इसको भी आप एक बार लाएंगे तो ढेरों सारे बना सकते हैं, इसकी कटिंग लग जाती है। अगला प्लांट है अजवाइन, अजवाइन भी बहुत खूबसूरत लगता है, इसको भी ज़्यादा धूप की जरूरत नहीं पड़ती है, और कटिंग से बहुत आसानी से लग जाते हैं। अगर नर्सरी से आप लाएंगे तो 30 रुपये में मिल जाएंगे, 25 रुपये में, नहीं तो आपको कहीं से कटिंग मिल जाए तो हैंगिंग पॉट में लगाइए, कोई भी पॉट में बहुत खूबसूरत लगता है। और देखिए, अगला प्लांट है जेट प्लांट, जेट प्लांट तो धूप में रहने वाला प्लांट है, लेकिन 1-2 घंटा का धूप भी मिल जाएंगे, हैंगिंग पॉट में लगाइए, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका बोनसाई बनाइए, टोपियारी बनाइए, और इसको धूप में रखेंगे, 1-2 घंटा का धूप भी मिल जाएगा तो अच्छा लगेगा। इस तरह का छाया वाला जगह में रख नहीं सकते हैं, 1-2 घंटा का धूप मिलना जरूरी होता है जेट प्लांट। अगला प्लांट है स्वीट पटेटो, इसको भी लगाइए, बहुत खूबसूरत लगता है, स्वीट पटेटो बहुत सस्ता देता है, कटिंग से लगाइए। अगला प्लांट है ये पर्पल हार्ट, पर्पल हार्ट भी बहुत खूबसूरत लगता है, उसको भी कटिंग से ढेरों सारे प्लांट बना सकते हैं, और हैंगिंग पॉट में लगाएंगे इस तरह तो बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो आप इस तरह हैंगिंग पॉट में लगाइए, समर सीजन में भी ये सब प्लांट मिल जाते हैं नर्सरी में, अभी ये समर में भी ये सब प्लांट आप लगा सकते हैं, अभी का मौसम में भी। स्वीट पोटैटो में कितने सारे कलरफुल लीव्स वाले होते हैं। अगला प्लांट है एरो रूट, इसका लीव्स देखिए कितना खूबसूरत लगता है, विंटर में ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, सारे पत्ते गल जाते हैं, नीचे बल्ब होते हैं, और जैसे समर आते हैं इस तरह अपने आप ही उगने लगते हैं। आपके पास हो तो घबराइए नहीं, विंटर में इसी तरह गमले में लगे हो तो इसको उठा के रख दीजिए, बल्ब से बहुत सारे ढेरों सारे समर में अपने आप ये तैयार हो जाते हैं। ये भी छाया वाला जगह में अच्छे से चलेंगे, इसको धूप की जरूरत नहीं पड़ती है, धूप में रखेंगे तो इसके पत्ते जलने लगते हैं,
अगला प्लांट है रबर प्लांट। रबर प्लांट भी इंडोर प्लांट है, छाया वाला जगह में रखेंगे तो बहुत अच्छे से चलेंगे। धूप में इसके पत्ते सब जलने लगते हैं, देखिए कटिंग से तैयार हो जाते हैं। नर्सरी में 100 रुपये में मिल जाएंगे छोटा से छोटा प्लांट। अभी भी इसको लाकर आप लगा सकते हैं, छाया में रखकर इस प्लांट को डेकोर कर सकते हैं, इंडोर में रख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें भी दो तरह का आता है। अगला प्लांट है ये डोनर प्लांट। डोनर प्लांट में रोज पानी चाहिए, देखिए मैं पानी डालना भूल गई थी, इससे सूख गए हैं। इसमें रोज डेली पानी चाहिए, पानी में भी लग जाते हैं और मिट्टी में भी, लेकिन अभी मौसम में पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। ये और ये है अगला प्लांट न्यून पोथोस। देखिए एक पत्ते से मैं इसको ग्रो की हूँ, इसमें भी एक पत्ते से ग्रो की है। एक पत्ते से ग्रो कर सकते हैं, पानी में भी आप ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। इसको मैं ग्रो करके रखी हूँ अंदर रखने के लिए, छाया वाला जगह में रखूंगी इंडोर में। इसको धूप की अभी जरूरत नहीं, धूप में रखेंगे तो सारे पत्ते जलने लगेंगे। देखिए इस तरह का बेल बन रही है, एक एक पत्ते में कटिंग करके छोटा वाला पॉट में, बड़ा वाला पॉट में मैं डायरेक्ट मिट्टी में लगा दिए थे और देखिए कितने आसानी से लग गए हैं। अभी आप नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं, एक बार आप लगाइए कितने सारे बनते जाते हैं। देखिए ये सारे एक पत्ते से लगाई हूँ और बहुत खूबसूरत लगता है। अगला प्लांट है ये बेबी रबर प्लांट इसको बोलते हैं, मैं कटिंग से लगाई हूँ, ये मेरे पास नहीं था। देखिए मैं अपने फ्रेंड के घर से कटिंग लाई थी और लगा दिए थे, बहुत आसानी से लग गए थे। और ऊपर से कटिंग करके मैं इसी में ही लगा दी हूँ, ये भी इंडोर में अच्छे से चल जाते हैं, इसको भी धूप की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये रबर बेबी प्लांट है, ये महंगे मिलते हैं नर्सरी में, मैं तो खरीदी नहीं हूँ इसे मुझे पता नहीं है, लेकिन इंडोर में अच्छे चलते हैं। अगला प्लांट है सिंगोनियम। सिंगोनियम तो हर घर में मिल जाते हैं, एक प्लांट से ढेरों सारे प्लांट बन जाते हैं और इंडोर में बहुत अच्छे से चल जाते हैं। इसमें बहुत सारे वैरायटी होते हैं, कलरफुल लीव्स वाले भी होते हैं, जिस तरह पिंक लीव्स वाले भी। इसमें दो तरह का मैं लगाई हूँ, देखिए नीचे छोटे छोटे जो प्लांट है इसमें पिंक कलर का इस तरह लीव्स बनते हैं, और नीचे से ही डिवाइड करके भी बना सकते हैं प्लांट, ढेरों सारे कटिंग से भी बना सकते हैं, पानी में मिट्टी में सब में ग्रो हो जाते हैं। अगला प्लांट है ये क्रोटन। देखिए कितना खूबसूरत कलरफुल क्रोटन प्लांट होते हैं, बहुत सारे कलरफुल क्रोटन प्लांट होते हैं। अब जो भी क्रोटन प्लांट लाए ये 100 से नीचे नहीं देता है, 100 से ऊपर ही देता है। छोटा से छोटा प्लांट है, 100 रुपये में मिल जाता है, और इसका कटिंग भी लगा सकते हैं। अभी बारिश का मौसम आए तो इसका कटिंग लगाइए, आसानी से कटिंग लग जाएगी और इसको धूप की जरूरत नहीं पड़ती है, इंडोर में भी अच्छे से चल जाते हैं। अगला प्लांट है ये सेफरिया है, इसमें भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं। ये मेरे ग्रीन लीव्स वाले हैं, ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, ये समर सीजन में आसानी से आपको मिल जाएगा। ये भी नर्सरी में 100 रुपये में छोटा से छोटा प्लांट मिलता है। ये डेकोरेटिव प्लांट होता है, 100 वाले प्लांट, ये थोड़ा महंगा मिलता है, इसको भी आप लगा सकते हैं। और एक प्लांट लाएंगे उससे कटिंग से कितने सारे प्लांट बना लेंगे, इस तरह का कटिंग लीजिएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से कटिंग लीजिए और लगा दीजिए बालू में रेत में, और प्लांट लगाइए बेल्डरिन मिट्टी में लगाइए, जब भी लाए बेल्डरिन मिट्टी में लगाइए, अच्छे से चलेंगे। और अगला प्लांट है ये डेरेसेनिया है, देखिए कलरफुल लिप्स वाले हैं, पर्पल कलर वाले, ये भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाते हैं। इसकी कटिंग कितने सारे मैं लगाई हूँ, ये बहुत हार्डी प्लांट होते हैं, कटिंग इसी तरह लग जाते हैं, छोटा बड़ा छोटा छोटा टुकड़ा भी लगाएंगे तो लग जाते हैं। इसको नर्सरी से लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, कहीं भी मिल जाएंगे तो उसे कटिंग लेकर लगा लीजिए। अगला प्लांट है ये रेखा पाम, ये ऑक्सीजन देने वाले प्लांट होते हैं, प्यूरिफाई प्लांट। इसको तो इंडोर में भी हम लोग रखते हैं, सजाते हैं, लेकिन हफ्ता में एक दिन बाहर निकालते हैं। इसको भी धूप में रखेंगे तो इस तरह पत्ते जलने लगते हैं, धूप की जरूरत नहीं पड़ती है। ब्राइट लाइट मिल जाए छाया वाला जगह में, 1-2 घंटा का धूप मिल जाए तब तो अच्छे से चलेंगे। अगर फुल सनलाइट में रखेंगे तो ये पत्ते जलने लगता है और ग्रीन ग्रीन से पत्ते नहीं रहेंगे। ब्राइट लाइट में रखिए रेखा पाम, तो बहुत अच्छे से आपको चल जाएगा। चलिए अगला प्लांट ड्रेसिनिया का ही दिखा रही हूँ, ग्रीन लीव्स वाले भी है मेरे पास, इसका भी कटिंग आसानी से लग जाते हैं। एक पर्पल वाले हैं और ग्रीन लीव्स वाले भी कटिंग से मैं लगाई हूँ। जितने सारे ड्रेसिनिया प्लांट है मेरे गार्डन में सब कटिंग से लगाएंगे। ये देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये दूसरा वैरायटी वाले हैं, ये भी कटिंग से लगाई हूँ। इसकी कटिंग देखिए यहाँ से ऊपर से काट कर लगा लीजिए, लग जाएंगे, पानी में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। देखिए यहाँ से कटिंग करके लगा दिए, कटिंग करेंगे तो वहाँ से नए नए ब्रांच आएंगे, बुशी भी होगा घना भी होगा। अभी हमारे आंटी तूफान आ गए थे, देखिए जैसे ये गंदे हो गए हैं, अभी पानी नहीं डाले हूँ, देखिए इसलिए पत्ते सब गंदे दिख रहे हैं। वैसे तो मैं रोज पानी का स्प्रे करती हूँ इंडोर प्लांट समय,
अगला प्लांट है एक डेफन बचिया, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, बड़े बड़े पत्ते वाले, इसको तो एकदम धूप की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए एक ही पौधे से इतने सारे पौधे मैंने लगा दिए हैं एक ही पॉट में, ऊपर से कटिंग कर करके, देखिए और बहुत खूबसूरत लगता है, छाया वाला जगह आसानी से चल जाता है, ये भी अच्छा लगता है प्लांट। धूप में रखेंगे इसका भी पत्ते जल जाते हैं, देखिए यहाँ सब नोट बने हुए रहते हैं, ऊपर से फिर से मैं कटिंग करके लगा दूंगी तो फिर लग जाते हैं, ये भी बहुत आसानी से लग जाते हैं, लेकिन इसमें पानी का ध्यान रखना पड़ता है, जब भी कटिंग लगाए पानी कम दे। अगला प्लांट है ये सनेक प्लांट, इसको कौन नहीं जानता है सनेक प्लांट को, कोई भी वैरायटी हो, प्यूरिफाई प्लांट होते हैं, इसको इंडोर में अच्छे से रखिए, इंडोर में अच्छे से चल जाएंगे, बेल्डिंग मिट्टी में बनाइए, पानी भी एक दो हफ्ते नहीं देंगे तो अच्छे से चल जाता है, पानी नहीं मांगता है। देखिए यहाँ दो वैरायटी का लगे हुए हैं, आप छोटे वैरायटी लगाइए, बड़े वैरायटी, सब छाया वाला जगह में आसानी से चल जाते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। अगला प्लांट है जनाडू, देखिए छोटे छोटे लीव्स वाले हैं, ये छोटा ही रहता है इसका पौधा नीचे से, लेकिन बहुत सारे डिवाइड होते रहता है, ये देखिए इसमें भी मैं मल्चिंग की हूँ सूखे पत्ते से, और नीचे से ढेरों सारे बेबी प्लांट बनते रहते हैं, और देखिए इसमें पानी ज़्यादा नहीं लगता है, अभी गर्मी में रोज शावर करती हूँ, अभी गर्मी में पानी मैं रोज डाल रही हूँ, लेकिन विंटर में मैं रोज पानी नहीं डालती हूँ इसमें। ये भी नर्सरी में आपको मिल जाएंगे 50-60 रुपये में मिल जाते हैं, जनाडू प्लांट है। अगला प्लांट है ये स्पाइडर प्लांट, नर्सरी में अभी मिल जाएंगे आसानी से 30-25 रुपये में मिल जाते हैं, छोटा से छोटा पॉली बैग में लगे हुए, इसको भी लगाइए, इसको भी ब्राइट लाइट मिले तो बहुत अच्छे से चलेंगे, ज़्यादा धूप में पत्ते जल जाएंगे, बेबी प्लांट जो बनते रहते हैं बेबी प्लांट सभी रनर्स भी जल जाते हैं अगर ज़्यादा धूप में रखेंगे, ब्राइट लाइट में बहुत अच्छे से चलते हैं, झूमर के जैसे रनर सब लटके हुए रहते हैं। अगला प्लांट है एक क्रिसमस ट्री, ये भी इंडोर में अच्छे से चलते हैं, इंडोर में नहीं छाया वाला जगह में रखिए, एक दो घंटा धूप मिल जाए, लेकिन ऊपर से पत्ते जलने लगते हैं ज़्यादा धूप में रखने से, ब्राइट लाइट में रखिए तो ये भी बहुत अच्छे से चलते हैं, क्रिसमस ट्री शो वाले प्लांट होते हैं ये। अगला प्लांट है ये मोर पंखी, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है, मोर पंखी तो शो प्लांट होता है, इसको जरूर लगाए, एक प्लांट ही 100 रुपये मिलता है, 100 से नीचे नहीं मिलता है, छोटा से छोटा प्लांट लाइए 100 रुपये मिलते हैं, यहाँ से इतना पतला कटिंग लगाएंगे तो लग जाएंगे, मैं 100 रुपये में लाई हूँ, ये बड़ा हो गया है। अगला प्लांट है एस्पैराग्रास, एस्पैराग्रास भी बहुत खूबसूरत होता है, इसमें फूल भी आता है, लेकिन ज़्यादा धूप में रखेंगे तो इस तरह पत्ते जलने लगता है, देखिए इसमें फूल आने लगे हैं और छोटे छोटे इसमें बनते रहते हैं बीज, पककर लाल हो जाता है, उससे भी ग्रो होते हैं, लेकिन उससे बहुत टाइम लगता है, नीचे से इस तरह डिवाइड करके आप इस प्लांट को एक प्लांट से बहुत सारे बना सकते हैं, और देखिए छोटा वैरायटी वाले हैं, ये बड़ा नहीं होता है, बल्ब से तैयार होते हैं, प्लांट नीचे बल्ब से डिवाइड करके बहुत सारे बना सकते हैं, ये नर्सरी में 30 रुपये में मिलता है छोटा से छोटा पॉली बैग में लगे हुए। अगला प्लांट है ये कैलेडियम प्लांट, इसके पत्ते का शेप हार्ड शेप में होते हैं, बल्ब से ग्रो होता है, पानी बहुत कम लगता है, ये विंटर में डोरमेंसी में चला गया था, अभी समर आते हैं इसके पत्ते निकलने लगे हैं और बीच में स्टिक की तरह फूल आता है, जब फूल आ जाएगा इसमें खिलने लगेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगला प्लांट है ये डेविल प्लांट, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है, इसको भी छाया वाला जगह में रखिए, ब्राइट लाइट में बहुत अच्छे से चल जाएंगे, ये छोटा से छोटा इस तरह का कटिंग लगाइए आसानी से लग जाते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको मिट्टी में इस तरह दबा दीजिए, यह बहुत आसानी से लग जाता है। अगला प्लांट है ये हाइकस, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, इसका बोनसाई बनाइए, टोपियारी बनाइए, ये बहुत बड़ा प्लांट हो गया है, मैं इसका बोनसाई बनाई हूँ, आप देखते होंगे मॉल वगैरह में इंडोर में रखा रहता है, इंडोर में अच्छे से चलता है, ब्राइट लाइट में, देखिए इतने बड़े ये बोनसाई बन रहे हैं, इसकी कटिंग मैं लगाई हूँ, कटिंग बहुत आसानी से लग जाता है, जब प्रूनिंग करती हूँ तो कटिंग लगा देती हूँ, और बारिश के मौसम में कटिंग लगाइए, देखिए 2 महीना पहले मैं कटिंग लगाई थी पतले पतले, इसमें से प्रूनिंग किए थे तो ये दोनों लग गए हैं, अभी इसको छाया वाला जगह में रखी हूँ ताकि ये खराब नहीं हो धूप में। अगला प्लांट है ये होस्टन फर्न, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, एक प्लांट से मैं 2 प्लांट बनाए हैं, 2 पॉट में डिवाइड की हूँ, जब नर्सरी से लाई थी ये 40 रुपये में दिया था छोटा सा प्लांट, और दोनों में डिवाइड करके लगा दिए हैं, बल्ब से भी प्लांट बनते हैं, नीचे बल्ब होते हैं एस्पैराग्रास के जैसा, स्पाइडर प्लांट के जैसा, और इसको छाया वाला जगह में रखिए, ब्राइट लाइट मिले उसी से पौधे अच्छे से चलेंगे, धूप में पौधे जल जाते हैं, मैं जहाँ रखी हूँ वहाँ इसको धूप मिल गया है, इसको मैं उठाकर साइड में रख दूंगी, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट हो जाता है, जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो बहुत खूबसूरत लगता है, इस तरह पूंछ की तरह बहुत बड़ा बड़ा बढ़ जाता है, इसीलिए इसको होस्टन फर्न बोलते हैं, देखिए धूप में इसका पत्ते इस तरह जल गए हैं,
धूप में नहीं रखना है, 1-2 घंटा का भी धूप में नहीं रखना है, ब्राइट लाइट मिल जाए तो अच्छा है। बेलडनी मिट्टी बनाए, उसमें बालू जरूर मिलाए, इस पौधे को जब भी लगाए, नर्सरी में 40 रुपया मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं खूबसूरत डेकोरेटिव प्लांट जो आप लगा सकते हैं अभी के मौसम में। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक करिए, फ्रेंड सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। जेट प्लांट को भी अभी आप नर्सरी से 25-30 रुपया में लगाकर ढेरों प्लांट बनाइए। थैंक यू।